खुलासा, प्रदेश में आतंकी नेटवर्क अभी भी जिंदा है। एटीएस की जांच में मिले कई अहम सबूत, सहयोगियों का पता लगाने में जुटी एटीएस। आतंकी गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की थी नजर। एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को पकड़ा है। फैजान को हिरासत में लेते हुए सीसीटीवी आया सामने। एटीएस की टीम ने खंडवा में दी थी दबिश। मध्य प्रदेश के खंडवा में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी फैजान शेख को लेकर एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है। एटीएस ने कहा कि एमपी में आतंकी नेटवर्क अभी भी जिंदा है। एटीएस की जांच में इसके सबूत मिले हैं। फिलहाल एटीएस की टीम फैजान के सहयोगियों का पता लगाने में जुटी है। एटीएस अब फैजान की कॉल डिटेल, इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स का ब्यौरा जुटा रही है। मदद के बीते गुरुवार को एटीएस ने कार्रवाई करते हुए खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया था। फैजान के पास से एटीएस को कई सामान भी मिले, जिसमें भारी मात्रा में आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों का जिहादी साहित्य और सीमित सदस्यता के फॉर्म मिले। इसके साथ ही जब्त मोबाइल और डिजिटल डिवाइस में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जिहादी साहित्य भी मिले। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, काफी चिंताजनक है कि जो इंडियन मुजाहिदीन है उसके नेटवर्क अभी भी मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये फैजान की गिरफ्तारी जब खंडवा से हुई थी तो उसके बाद एक बड़े नेटवर्क की जो गुंजाइश है उसको लेकर कहा जा सकता है कि अभी भी एक बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया जा रहा था। क्योंकि फैजान को जब इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था तो ये बात सामने आई थी कि इंडियन मुजाहिदीन का एक पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश के निमाड़ में खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से कुछ समय पहले रकीब नाम के एक आतंकी को पश्चिम बंगाल की एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान भी फैजान उसके संपर्क में था, फैजान उससे मिलने के लिए पश्चिम बंगाल भी गया था जब वो जेल में था। उस दौरान भी पश्चिम बंगाल की एटीएस ने फैजान से बातचीत की थी और उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन कुछ ना मिलने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन पिछले एक साल से लगातार जो मध्यप्रदेश की एटीएस है वो उस पर नजर गड़ाए हुए थी और उसको जब यहाँ पे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से आईएसआईएस के कई सारे डॉक्यूमेंट मिले, इंडियन मुजाहिदीन को स्टैब्लिश करने के कई सारे सबूत मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए तो ये बात सामने आई थी कि यहाँ पे वो एक साजिश कर रहा था हमले को लेकर। क्योंकि एक लोन वुल्फ अटैक होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अकेला ही किसी भी समुदाय के ऊपर हमला करता है, इस तरह के अटैक करने की इतराज में फैजान था। और जो आठ आतंकी भोपाल के भोपाल जेल ब्रेक में मारे गए थे उसका वो बदला लेना चाहता था, इस बात के भी खुलासे इस पूरी पूछताछ में सामने आए थे। क्योंकि आज फैजान की गिरफ्तारी को 5 दिन हो गए हैं। खंडवा में जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो खंडवा कोर्ट में उसे पेश कर उसकी 5 दिन की रिमांड ली गई थी। वो 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है और आज भी उससे कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड और मांगी जा सकती है। ठीक है, 5 दिनों में क्या जानकारियां मिली है जानने की जरा कोशिश करते हैं। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बड़ा सेंसिटिव यह मालवा का इलाका हमेशा से रहा है, सिमी की गतिविधियां यहां पर रही। अब जब 5 दिन इससे पूछताछ हुई है तो किस तरह की जानकारियां जुटाई गई हैं? लोकिन देखिए, मैं आपको पहले विस्तार से जानकारी बता दूं। जिस तरह से अगर बात की जाए, खंडवा एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे जो है बड़े जो है आतंकवादियों को यहाँ के कई संबंध भी, उनके रिश्ते भी उनके सामने आते हैं। देखा जाए तो पहले भी यहाँ पे जो है पुलिस ने इंकाउंटर किए थे कुछ आतंकवादियों को और जेल कांड भी हुआ था। अब इसी मामले को लेकर जो है एटीएस पूरी तरह से खंडवा में नजर बनाए हुई थी लगातार, और जो है अब ये जो आरोपी को पकड़ा है फैजान, ये कहीं जो गतिविधियों में शामिल था और बताया जा रहा है कि बंगाल से लगा के जो बड़े जितने भी जो आतंकवादी थे उनके संबंध इनसे सेट कर। लेकिन अब जो है इसमें पुलिस जो है लगातार यहाँ से जो गिरफ्तार करके एटीएस टीम ले गई थी और भोपाल में जो 5 दिन का जो रिमांड लिया गया है उसमें अब जो नया खुलासा होने पर सामने आया है कि ये जिस तरह से गतिविधियों में मिला हुआ था और आज जो है यहाँ पे और कुछ जो एटीएस की टीम और जो पुलिस के कार्रवाई के दौरान भी और कुछ अन्य सबूत मिलने के लिए है, लेकिन अभी इसमें कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन। लेकिन एटीएस की टीम जो है लगातार अब जो है भोपाल से बड़ी कार्रवाई करने के लिए और हो सकता है कि यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे नजर बनाए रखी है। लोकन गौरव, अगर हम बात करें क्या आगे भी जो जांच टीम है वो कोशिश कर सकते हैं कि रिमांड पर लिया जाए, कितने बजे इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ जानकारी है?